से चॉप हो गए हैं। चलिए अब मैगी उबाल लेते हैं। आप चाहे तो उसी कढ़ाई में मैगी उबाल सकते हैं जिस कढ़ाई में आप टमाटर प्याज के साथ टमाटर प्याज को भून रहे हैं, और जिस कढ़ाई में आपको मसाला मैगी बनानी है। लेकिन हम इस वीडियो में अलग कढ़ाई में मैगी पहले उबालेंगे। पानी में हल्का हल्का उबाल आने लगा है, तो अब हम इसमें मैगी डाल देते हैं। नमक हमने पहले ही डाल दिया था, अब हम मसाला डाल रहे हैं।